बिंदिया के घर में खुशियों ने दी दस्तक, अब क्या मोड़ लेगी बिंदिया की जिंदगी। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। टीवी सीरियल सुहागन में काफी खुशियों का माहौल देखा जा रहा है। जी हां, बहुत दिनों बाद यहां पर खुशियां आई हैं क्योंकि कृष की बहन ने एक बेटे को जन्म दिया है और वो सारा क्रेडिट बिंदिया को देती है। वो कहती है कि अगर आप नहीं होती तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर सारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, कृष भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, काफ़ी खुशी का माहौल है। आप भी एक नज़र डालिए क्या कुछ हो रहा है सेट पर। ऐसा क्या कह रहे हैं दीदी, अपने अपनों पे एहसान थोड़ी ना करते हैं, ये तो हर कोई करेगा, ये भी किया, बाकी तो अम्मे माँ की कृपा। अरे निधि, बाबू फटाफट कैसी हो? ठीक हो? बच्चे को देखा? सब लोग ने देखा, बच्चे को उठाया नींद मैम ने। अरे देखो देखो, हमारी नक्सड़ी जो है ना निधि, माँ बन गई। एक बात कहना चाहते हैं बिंदिया, अगर तुम उस दिन हॉस्पिटल में निधि को नहीं समझाई होती ना तो निधि ने अपना अबॉर्शन करा लिया होता, और आज सिर्फ तुम्हारे वजह से हमें हमारा बच्चा मिल पाया है ना। अम्मा ने कहा कि तू सच में देवी ही बोलिए देवी, इसलिए नहीं अम्मा ऐसी बात नहीं है। अरे ये सब छोड़ो, पहले सहज चटाई की रस्म तो करनी होती। अरे कोई जाके सहज लेकर आओ, फिर इस जाने लगा। हाँ नहीं, हम लेके आते हैं। हाँ आ गया हूँ, कब शहद लेके आया। उन्होंने बोला कि चटाई के चेस्ट तुम्हारे यहाँ के, तुमने बच्चे को पैदा करवाने में हेल्प की है ना निधि, ऐसा किया, फिर वो आ गए, शहद लगा दिया, शहद चढ़ाना हो गया, वापस आ गए, तो शहद हस्बैंड वाइफ का और शायद खुश। इंदु जी क्रिश को समझाने चालू किए, बेटा देख ये सब कुछ किया है तेरे बहन के लिए, तो इंडिया की खुशी कैसे छीन सकता है, अब तो तेरा फैसला बदल जाएगा ना। क्रिश बोलता नहीं, हमारा फैसला वही रहेगा। नहीं मान रहा है, वो बहस कर जा रहा है, लोग कन्विंस कर रहे हैं उसको। अरे भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, चाहे भी मीडिया से जानकर रेस नहीं लूंगा। जब ये बोलते कि ये हमारे लिए कर रहे हैं, एक बार न्यूज का अच्छा कृष्ण जो भी ड्रामा किया कितना प्यार है दोनों के बीच में। निधि ने उसको थैंक बोला, बिंदी को बिंदी ने बोला यार कैसी बात करती हो, घर वाले आ गए। भाई अब बिंदिया भी एक तरफ बनने वाली है माँ, अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बिंदिया और कृष की जिंदगी क्या मोड़ लेती है, क्या नया तूफान आता है इनकी लाइफ में। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ ऐसी चटपटी और गॉसिप खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ।